Guys, I'm really good at Alex. Nice, Rajesh ji. Ma'am, welcome flower. Thank you. दो तीन बार रहते मामा और वेलकम एक बार मैं अकेला भी गया। आज हम दीदी के घर आए हुए हैं। बेटू देखा हुआ अक्सर ब्लॉग में ये रेसिपी भी बनाती है और ये मेरी बेटी है। यस मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा रांची की दुनिया। हाय ये मेरी बड़ी बहन, आज मैं इनके घर आई हुई हूँ और दम आलू की सब्जी बना रही है। और ये ना दम आलू की सब्जी बहुत अच्छी बनाती है मेरी दीदी, तो मैंने उनको कहा कि दीदी मैं आऊंगी तो मुझे आप दम आलू की सब्जी बना के खिलाना। और मैं आपको दिखा रही हूँ दीदी बना रही है। और गाइस इतनी सर्दी पड़ रही है, मैं जब आई थी तो मैं वो वाला ब्लॉग नहीं बना पाई थी रास्ते का क्योंकि बहुत कोहरा और सर्दी पड़ रही थी। तो गाइस मैं आज घर में आके आप सब चीज़ आपको बताऊंगी। मैं अपनी दीदी का पूरा घर दिखाऊंगी आज दीदी का भी। तो गाइस ये मेरी दीदी की बड़ी वाली बेटी है, वो छोटी थी ये अक्षिता है। आपने इसको एक बार और ब्लॉग में देखा होगा मेरे साथ जब मैं इनके फार्म हाउस पर गई थी। लेके आई हूँ दीदी की एनिवर्सरी थी तो मैं उनको ये मिठाई दूंगी। धन्यवाद। तो गाइस अब हम ऊपर छत पे चल रहे हैं तो मैं आपको छत भी दिखाऊंगी। ये है ना हमारी दीदी का मंदिर है, ये भगवान जी हैं, दिया जल रहा है और हम चूल्हा जलाएंगे। आ जाओ रांची चूल्हा जलाते हैं, आज चूल्हे पे रोटी बनाएंगे। दीदी के कपड़े धुल रहे हैं, मशीन चल रही है। तो गाइस जो हमारे बेटू के पेड़ है जी सेवंती है, जी कनेर गुड़ैल है, इसके बहुत सारे पेड़ लगे हैं। ये नींबू है, नींबू नहीं आ रहा है अभी इसी में बिल्कुल भी। और गाइस आपको मैं मटर भी दिखाती हूँ। तो गाइस ये मटर लगी है घर में, छत पे टेरेस गार्डन है ये हमारा। तो गाइस ये मटर है तो मैं आपको एक मटर तोड़ के दिखाती हूँ। तो गाइस बहुत अच्छे दाने भरे हुए। गाइस घर की चीज तो घर की ही होती है। मंजू दीदी रोटी बना रही है। दीदी खाना बना रही है, बाजरे की रोटी आटा लगा लिया चूल्हे ने, आग अच्छी से जला दी। देख लो गाइस ये रोटी बन रही है। दीदी बहुत अच्छी रोटी बनाती है आज से चूल्हे पे, वो प्योर बाजरे की है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। चूल्हा जल रहा है और सब लोग बैठे हैं देखो यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं अपनी अपनी बारी का सब। गाइस स्टोन लग रहे हैं क्या आपको, टॉफीज लग रही हैं? तो गाइस स्टोन में खा के दिखाती हूँ आपको। ये टॉफी है स्टोन के डिजाइन की। तो गाइस ये बेटू सबके लिए खाना लगा रही है। ये उड़द चने की दाल है, इससे बाजरे की रोटी बहुत अच्छी लगती है। चुनू खा रहा है दम आलू की सब्जी, उड़द की दाल है, बाजरे की रोटी है, चटनी है, गाजर का हलवा है। और गाइस ये मक्खन खा रहा है, इसको मक्खन भी बहुत पसंद है। यसु भी रोटी खा रहा है, यसु की थाली में कुछ भी नहीं है, यस तैयार कर रहा है रोटी का। यस आ रही है गाइस, आ रही है। यस बताओ रोटी नहीं मिली तो कैसा लग रहा है? आ गई साहब, बहुत अच्छा लग रहा है। यस की रोटी आ गई है, दो लोग रोटी खा के उठ चुकी है। गाइस यहां पे हमारे आलू हो चुके हैं, पक गए। ये हमने उस चूल्हे में भूजने के लिए लगाए थे, बहुत अच्छे लगते हैं सर्दियों के आलू चूल्हे में भूजे हुए, और उसको खाते हैं ना इतना टेस्टी लगता है। हमने मटर भी भूज के खा लिए और अभी हम और मटर लाएंगे अपने मिनी गार्डन में से, मटर तोड़ेंगे और फिर इनको मटर को ही भूजेंगे। अभी हम मटर तोड़ रहे हैं अपने मिनी गार्डन में से। और कहाँ पे दिखी थी तेरे? और उस वाली में देखते हैं। ये एक और लगा, इसमें भी होगी मटर।
देखो देख पक भी गई। काफी है इतनी? हाँ अब ये तो छोटी छोटी हैं। इसमें तो छोटी है, अभी अच्छे से पकी भी नहीं है, हम इनको चूल्हे पे भून दे जाएंगे। रखा है चूल्हा, प्लांट के बारे में कुछ भी पूछना हो ना आप कमेंट करके बताना, क्योंकि इनको प्लांटिंग के बारे में सारी चीजें पता है। अरे अब हम आलू बुन चुके हैं, जा रहे हैं मम्मी को आलू देने के लिए। तो यहाँ पे हमारे घर आलू बॉईल हो चुके हैं और हम लोग इस बॉईल आलू खाएंगे। चूल्हे के आलू, आलू बॉईल नहीं है जो चूल्हे के आलू है। हाँ तो गाइस ये चूल्हे के आलू है, बहुत स्वादिष्ट आलू है। लो दीदी खा लो, बेटू खा लो, ले बेटू। थैंक यू। और ले आते 3-4 आलू और डाल देती बाबा। डालेंगे फिर डाल, चलिए तो डाल रही छोटा बॉक्स में देना। गाइस अब मैं आई हूं और आलू लेने के लिए। आलू थोड़े कम पड़ गए तो बास्केट में रखे आलू, तो मैं इसमें से छोटे छोटे आलू उठा लेती हूँ, जैसे कि ये और ये। अभी तो ही लिया मैंने, चलते हैं ऊपर फिर से आलू को भूनने के लिए। अच्छा राजी की दुनिया yes. आप भी आ रही है हमारे साथ? नो मैं नहीं आ रही हूँ, आप लोग ही खाइए आलू। तो चलो हम लोग आलू घूमने चलते हैं। और हम इन आलू को ऐसे उठाएंगे, उसके ऐसे इसके अंदर घुसेड़ेंगे। सेम ऐसे हमें दूसरे वाले आलू के साथ भी करना है। अरे गिर गया, और इसके अंदर ऐसे घुसेड़ना है, घुसेड़ देना है और हम मिलती हूँ। आलू बॉईल हो जाएंगे तब तक। तो गाइस ये चूल्हे पे मटर भुनी है, आलू तो हमारे फिनिश हो गए, तो ये मटर खाएंगे। मटर भी बहुत अच्छी लगती है चूल्हे की भुनी हुई, वो फिर घर की मटर तो घर की मटर होती है। तो गाइस बहुत शानदार मटर भुनी है, वो आस्था इसको खाएगी। तो गाइस ये मेरी दीदी की किचन है, हम लोगों ने खाना वाना खाया था तो बर्तन बर्तन साफ किए थे, तो उनका ये किचन है तो हमने खाना तो छत पे ही खाया था, सारे काम ऊपर ही कर लाए थे। तो गाइस अब जाने की तैयारी है, दीदी का किचन है पूरा, बहुत बड़ा किचन है उनका। तो गाइस अब बच्चियाँ भी इनकी जाएंगी, बाहर पड़ती हैं ग्वालियर, तो सब्जियाँ वगैरह भी आएंगी। गाइस मैं आज इनको घर का टूर कराती हूँ आपको। तो गाइस आस्था खेल रही है, ये जीजा जी खेल रहे हैं आस्था के साथ, और है ना बेटू भी बैठी है हीटर के सामने ताप रही है। यस बैठा है राची, हमारी मोबाइल चला रही है, ये अपनी वीडियो डालने की तैयारी कर रही है। गाइस इनका बड़ा वाला हॉल है, यहाँ सब लोग बैठते हैं। आपको हम दुबे जी का ऑफिस दिखाते हैं। गाइस ये हमारे जीजाजी का ऑफिस है, जीजाजी यहाँ पे ना अपने कोट का काम करते हैं, और इस पे घूमने वाली इनकी चेयर ऐसे घूमते रहते हैं। और गाइस ये फाइलें यहाँ पे सेट कर रखी है, इनकी सारी बुक्स रखी है, इतनी सारी बुक्स मैं तो देखे मेरा दिमाग ही चकरा रहा है। ये बेटू के पेड़ है, ये पेड़ दिखे। गाइस दीदी की बेटी ने बहुत सारे पेड़ लगा रखे हैं, बहुत प्यारे प्यारे पेड़ लगे हैं, उसको पेड़ों को काटने का बहुत ऐसा शौक है। तो गाइस देख रहे हैं आप, बेटे लाइट भी लगाया है, बेल लगी है, ये पूरा ना ये कैटस लगाए स्टील के कप में। तो गाइस यहाँ पे भी जीजा जी का रैक रखा है, तो इसमें भी उनकी ऑफिस की फाइलें वगैरह रखी रहती है। एक दरवाजा दीदी का ये भी है, ये अंदर के लिए जाती है, कुछ भी लगे पैक रहता है। यहाँ दीदी की गाड़ियाँ पार्क होती है, 11 GB भी है, कोई 4 GB भी है। अब मैं आपको बाहर इनके खेत वगैरह दिखाती हूँ। तो गाइस ये लड़की देख रहे हैं आप, ये खेत के अंदर जा रही है, तो जो फालतू के जो पेड़ लग जाते हैं तो अपनी गाय भैंसों के लिए चारा ले रही है, तो इसको परमिशन दे देते हैं ताकि जो फालतू की फसल हो जाती है ना उनको तोड़ लाती है। ये सरसों के खेत में गई है। गाइस ये गेहूं की फसल है, इसमें भी गेहूं के पौधे हैं, और सरसों में तो खूब अच्छे पीले पीले फूल आ गए हैं। तो गाइस जहाँ तक देख रहे हैं वहाँ सारे खेत ही खेत नज़र आ रहे हैं सब में। और ये दीदी की गाड़ी खड़ी है, और ये दीदी के बाहर गाड़ी खड़ी है, रात को अंदर की तरफ चली जाती है, मैं आपको साइड भी ले जाती हूँ।
तो गाइस ये देख रहे हैं आप, ये तार वगैरह यूँ लगा देते हैं, इससे ना गाय वगैरह है ना अंदर भी जा पाती, जानवर क्या है फसल को नुकसान करती है। तो गाइस आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, तो प्लीज़ इस पर लाइक करना, मेरे इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बेल आइकन घंटी को प्रेस करना, तो मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आऊँगी। टेक केयर।